Hi, I'm Archana Puran Singh and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। Hi, thank you. हमारे देश के नामचीन बड़े-बड़े शायर यहाँ पे आने वाले हैं। Awesome. लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? पंजाब से कोई शायर नहीं आ रहा। आप relax करें। तुम कर लो ये कर लो ये कर लो कर लो पहले चंदू चंदू कपिल शर्मा यार मैंने सुना है आज इधर कवि आ रहे हैं हाँ तो तू निकल आज तेरे को मैंने कितनी बार कहा है ये वाला मुंह लेके दोपहर के बाद आया कर तू क्यों सुबह सुबह मेरी बोन ही नहीं हुई ऐसा मुंह दिखा देता है नहीं मुझे ये नहीं समझ आ रही मॉर्निंग में तुम्हें ये हुसन सूट नहीं करता हुसन देखो मेरी बात सुन लो तीन चार शेर मैंने भी लिखे हैं इसलिए वो मैंने सुनाने के लिए आने आना है फटाफट इनको फाड़ और उधर निकल चल इन्हीं कदमों से वापस निकल कपूर शर्मा सबको पता है जब चंदू कदम बढ़ा देता फिर वो पीछे नहीं हटता क्यों नहीं हटता पीछे तेरे कूल्हे में प्रॉब्लम है शायरों के सामने लाने वाला मुंह है तेरा यार मुझे ये बताओ शायरों के सामने लाने वाले कौन से मुंह होते हैं मेरे मुंह का नुकता चुभ रहा है तुम्हें क्या मेरे मुंह का तुकबंदा खराब है तुकबंदा नहीं तुकबंदी होती है इसका ये बड़ी प्रॉब्लम है हर बंदे को ये बंदी बनाने के चक्कर में लगा रहता है कपूर शर्मा मेरी बात सुनो मेरे को इधर मुशायरे में आने दो मैंने बहुत बड़े बड़े शोज किए हुए हैं कौन से शोज किए जब ये पैदा हुआ माता पिता ने मोहल्ले को ही नहीं शो किया कहते नो रखो इसे जा यार यार वो तो इसलिए नहीं शो किया नजर ना लग जाए क्योंकि खूबसूरत चीजें हमेशा छुपा कर रखी जाती हैं वाह अर्चना जी आप भी जब मेकअप करती है तो वैनिटी का दरवाजा बंद करके करती है ना सेम लाइक इसलिए छुपा के रखा था लोगों ने जो शगुन दिए थे ना वो कहीं बच्चा देख के वापस ना ले जाएंगे ये हुआ प्लीज रिटर्न द मनी वह क्यों फालतू के काम करता रहता है थोड़ी मेहनत क्यों नहीं करता तू मैं कपूर शर्मा बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मेरा बनता कुछ नहीं है मुंबई में मैं मेट्रो से पहले आया था मेट्रो आई देखो कहाँ पहुंच गई मैं वहीं का वहीं पहले आने से क्या होता है ऐसे तो अर्चना जी भी तब आ गई थी जब मुंबई में समंदर ही नहीं आया था मेहनत की है खैर कपिल शर्मा अभी मैं जा रहा हूँ मेरे कुछ गेस्ट आने वाले हैं मैं दोबारा मुशायरे में आता हूँ ठीक है हाय हाय लॉटरी और तू गया नहीं अभी तक यार मैं 2021 हूँ जो मैं दो गया नहीं अभी तक अब तो गई है नहीं तेरे तो गेस्ट आने वाले थे वो तो रोज मुंह उठा के चले जाते हैं ये तो बेचारी कभी कभी आती है लॉटरी मेरे को एक बार बताओ ये मैनर्स वैनर्स जो तुम्हें थे वो भूल गई हो इतने क्यूट वाले फेस वाले लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं उनको कोई हेलो हाय नहीं मैंने तुम्हें देखा नहीं अब तो देख लिया अब तो हगी करके हेलो हाय कर दो फिर एक मिनट मैंने जानबूझ के तुम्हें नहीं देखा अच्छा। मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा आ गया समझ कपू तुम्हारे सामने इतना ग्लैमर खड़े हैं हाँ। और तुम इसके बातें सुन रहे हो इसको छोड़ मैंने सुना है आज मुशायरा होने वाला हाँ। है मुझे भी आना है गेस्ट लोग चले जाएंगे 10:30 तक उसके बाद आना मुशायरा करेंगे हम गेस्ट के सामने ही शेर सुनाऊंगी अच्छा मैं लिखे भी है क्या बात कर रही हूँ वाह क्या शेर लिखा वाह सुनाओ अर्ज किया है हाय 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 पहली लाइन में लूट गया अर्ज किया है अर्ज किया है 10, 20, 30 वाह लव हैज नो बाउंड्रीज वाह वाह क्या बात है ऐसे तो फिर मेरे पास भी बहुत शेर पड़े हुए हैं कौन से 40, 50, 60 आओ प्यार लें बाट ये शायरी हो रही है ऐसे तो मैं भी ले लूं कि 70, 80, 90 हाँ 70, 80, 90 तू रुक तू चल बे
मैंने पता कितने अच्छे शेर 100 110 120 मैंने है फिल्म की टिकटें लीस तुम मेरे साथ चलती 130 140 150 चंदू लॉटरी के साथ फिल्म देखने जास कपड़े जितने भी हो पहनती हूँ सिर्फ सूती ओह तेरे साथ फिल्म लेके जाएंगी मेरी जूती पप्पू उसका छोड़ 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 उसका छोड़ हाँ मुझे ना उर्दू सीखनी है हाँ बेबी हिंदी में तो मास्टर्स कर लिए इन्होंने माइंड योर लैंग्वेज कौन सी वाली हिंदी वाली या पंजाबी वाली तू एक ही पे माइंड करते रही एक ही में दोनों आती हैं देखा कितना वर्सटाइल हूं मैं पप्पू तुम इसे छोड़ मेरी उर्दू में ना बहुत प्रॉब्लम्स है मैं क्या करूं किसी को क्या बताऊं प्रॉब्लम तुम्हारी हिंदी में बहुत है लेकिन हमने कभी कुछ कहा आई विल मैनेज नो प्रॉब्लम देखा दुनिया वाला देखो एक लड़की को देखकर दोस्त को भूल गया ये ऊपर वाले अगले जन्म में मेरे को लड़की बनाना तू बोल के दे मैं अगले एपिसोड में बना देता हूं तेरे को इसमें क्या है कपू तुम्हें शो में ग्लैमर चाहिए ये दोस्त चाहिए देखो लॉटरी ये है मेरे बचपन का दोस्त तो मैंने तब नहीं इसको कभी पूछा चलो निकल मुझे तुम चाहिए शो में तुम तैयार हो क्या हो मतलब मुझे तो लगता है इससे ज्यादा क्या तैयार होगी पर अगर तुम्हारे पास और भी ऑप्शन है तो जाओ और लॉटरी तुम्हारे जाने पे एक शेयर अर्ज किया मैंने हाँ कपड़े जितने भी खरीद लो टांगने के लिए चाहिए खूटी तुम कितना भी कह लो चंदू दफा हो जाओ दफा होती है मेरी जूती जी, आज हमारे देश के कुछ नामी कवि यहाँ पे आने वाले हैं तो चलिए एक एक करके सबको बुलाते हैं तो सबसे पहले उनको बुलाते हैं जो कवि सम्मेलन के साथ साथ टीवी पे भी छाए रहते हैं प्लीज वेलकम मिस्टर शैलेश लोढ़ा शैलेश भाई नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका जोरदार तालियां शैलेश भाई के लिए बहुत प्यारे लग रहे हैं आप शुक्रिया बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद कपिल शैलेश भाई के बारे में मैं आपको बता दूं कि इनके तब मुझे भी नहीं आई थी जब इनके दिमाग में कविता आ गई थी तो ये 10 साल की उम्र से कविता लिख रहे हैं और 40 साल से कविता लिख रहे हैं बहुत लंबा सफर तय किया आपने कपिल शर्मा शो में आने के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक अच्छा मैं शैलेश भाई के बारे में बताऊं आप सब जानते हैं इनको टीवी ये कर रहे हैं न्यूज़पेपर में आर्टिकल इनके आते हैं कवि सम्मेलन में ये जाते हैं ऐसी कौन सी चीज आपने खरीद ली है जिसकी ईएमआई आपको परेशान कर रही है अच्छा देखिए कौन बोल रहा है कपिल शर्मा शो तुम कर रहे हो फिल्में तुम कर रहे हो वर्ल्ड टूर तुम कर रहे हो तुम्हें क्या बेचना खरीदना है भाई ये बताओ तुम मतलब वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम ये तो बात देखो कपिल जहाँ से तुम आए जहाँ से मैं आया हम लोग लोअर मिडिल क्लास लोग अर्चना जी आप जानती हैं हमारी जिंदगी है क्या और हम क्या तो कमा लेते हैं हमारे पास है क्या देखो हंसी के सिवाय जी हमारे पास ये कला तो है नहीं कि हम सिर्फ हंस के पैसे कमा लें हाँ और हमारी जिंदगियाँ क्या है कपिल देखो कि मेरी जिंदगी 10x10 का कमरा बीवी का गजरा बिटिया जो छोटी सुबह शाम रोटी घर कब होगा जब होगा अपना सेकेंड हैंड कार का अटूट सपना अमिताभ का क्रोध मरता हुआ विचार बोध बैंक के मैनेजर को रोज रोज सलाम बनिए के बेटे को झुकझुक राम राम असल में मेरी जिंदगी तो हर महीने की पहली तारीख को आती है 10 तारीख तक खत्म हो जाती है क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत अच्छे क्या बात है और तुमने कहा कि मैंने यहाँ आने के लिए इतना टाइम लगा दिया तो अर्चना जी मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं हूँ मारवाड़ी आदमी जी हम लोग टाइमिंग के बहुत एक्सपर्ट हैं हमें पता है किस वक्त पे क्या करना है और हम लोग टाइमिंग के इसलिए एक्सपर्ट हैं कि हम सब के सब लोग चाय में ग्लूकोज के बिस्किट डुबो के खाने वाले लोग उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है टाइमिंग एक्चुअली फटाफट निकालना है एक सेकंड देरी कर दो नहीं तो बिस्कुट रह जाओगे ये बड़ा काम खराब होता है जो आपने मारवाड़ी वाली बात कही ना शैलेश भाई हम लोग सिंगापुर में एक बार थे हम लोग साथ में शो कर रहे साथ में शो करने गए तो उसके बाद जो ऑर्गेनाइजर थे हमें कहीं वो डांस दिखाने लगे इंडियन डांस होता था जी फिल्मी गानों के ऊपर हाँ। तो उन्होंने मेरे को जो मेरी पेमेंट बाकी बचती थी $1,000 उन्होंने डॉलर में दे दी $1,200 था तो वो लड़की आई नाचने लगी तो मैंने $100 दे दिया मैं कह रहा
अप्रिशिएट करें, कलाकार हैं वो, है ना, तो उससे कम वाला था ही नहीं मेरे पास उस समय, 10-12 साल पहले की बात है। फिर मैंने शैलेश भाई को बोला, मैंने शैलेश भाई लड़की इतना अच्छा नाच रही है, आप भी अप्रिशिएट करो। कहते अभी आएगी, मैं भी करूंगा। वो जब आई तो ये उठ के उसके साथ नाचने लगे। कपिल, पैसे की कीमत होनी चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जानते ना कैसे देना, मतलब हमारे घर में देना, ये जो जितने स्टार्टअप हुए मेरे खानदान से शुरू हुए हैं। हाँ, सारे स्टार्टअप हमारे खानदान से, ऐसी ऐसी चीजें, हमारे हमारे पिताजी बहुत पिताजी किस्म के पिताजी हैं। अच्छा, उनसे मांग लो तुम कुछ, वो दे दे, मैं मान जाऊं। उस रात पैदा नहीं, भिखारी आया एक पड़ोस, वो बोले साहब अब आपके पड़ोसी ने बहुत कुछ खिलाया, आप भी कुछ दीजिए। इन्होंने हाजमोला दी। बोला तू खाता ही रहेगा, पचा भी तो सही। अच्छा, मेरे एक चाचा तो उनसे भी आ गए हैं। उनसे लोग अनाथालय के लिए कुछ मांगने आए, उन्होंने दो औलाद दे दी, बोले ये लेके जा। क्या करेगा? ओहो, तो ये अभी शुरुआत है। और बढ़िया, यहाँ पे आज भर भर के टैलेंट आने वाला है। मैं देश के जाने माने दूसरे कवियों को यहाँ मंच पे बुलाना चाहूंगा, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर पॉपुलर मेरठी, मिस्टर संजय झाला और मुमताज नसीम जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, विराजमान हो जाइए, आइए शैलेश भाई, मुमताज जी आइए। पॉपुलर भाई कहाँ बैठना चाह रहे हैं आप? बस जहाँ आप बिठा दें। अच्छा, तो फिर जहाँ मुमताज भाई बैठ जाओ, आप बैठिए इधर ही, मैं इधर ही बैठने वाला हूँ जी। प्लीज प्लीज, हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, मजा आने वाला आज। अच्छा, आप सब ने बड़े बड़े शोज किए हैं, बड़ी बड़ी महफिलें लुटी हैं, बड़े से बड़े मंच पे गए हैं, आज आप हमारे शो पे आ गए हैं, और कोई अंतिम इच्छा? पर बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको हमारे मंच पे देख के, बहुत अच्छा लग। तो चलिए फिर यहीं से शुरुआत करते हैं। मुमताज जी, ऐसा है, मैं ये पूछने वाला हूँ, ये बहुत अच्छी कविता पढ़ती हैं और इतनी खूबसूरत भी हैं आप, जब ऑडियंस में से वाह वाह होता है तो आप कैसे डिसाइड करती हैं कि ये मेरी खूबसूरती के लिए कहा गया है या मेरे शेर के लिए? मैं डिसाइड कर लेती हूँ, मुझे लगता है कि दोनों के लिए ही है। अच्छा जी, इतना ही जवाब देती हैं आप नॉर्मली भी अगर कोई पूछे आपसे? मुझे तो लगता है जब ये कहती होंगी ना अर्ज किया है तो लोग फर्ज भी कर लेते होंगे, वाह इन्होंने अर्ज किया है, अब हमारा फर्ज है कि बस ये अर्ज होता रहे। पॉपुलर मेरठी साहब बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। जी, नमस्कार, नमस्कार। और सर, आपने अपने नाम में ही पॉपुलर लगा रखा है। जी जी। आज हमारे आप शो पे आए हैं, इसके बाद डबल एक्सएल पॉपुलर हो जाएंगे। सर, नाम में पॉपुलर आपने पहले से लगा रखा था या पॉपुलर होने के बाद लगाया? नहीं, असल में क्या बताएं कपिल भाई, मैं रेडियो से जुड़ा हुआ था। अच्छा जी। तो आकाशवाणी से प्रोग्राम आते थे, तो उस वक्त लोग कहते थे आप तो बहुत पॉपुलर हैं, रेडियो से प्रोग्राम आते हैं। अच्छा जी। तो फिर मेरा तखल्लुस तो कुछ और ही था। अच्छा जी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं हास्य व्यंग में लिखता हूँ तो क्यों ना पॉपुलर रख लिया जाए। बहुत बहुत अच्छा। क्योंकि हास्य व्यंग के जो कवि होते हैं ना, उनके अजीब अजीब तखल्लुस होते हैं, कोई झंझट रख लेता, कुछ कुछ रख लेता, तो मैंने फिर पॉपुलर रखा और ये बड़ा पसंद भी किया गया। नहीं बिल्कुल, नाम इनका है सैयद एजाजुद्दीन शाह। जी 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 जी, बिल्कुल नाम है, साइंटिस्ट लगते हैं आप। ऐसा लगता है वैक्सीन इन्होंने निकाली है। बढ़िया भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा। कपिल भाई आपका तो जलवा है सब जगह, पूरे दुनिया में। अरे सर, और आशीर्वाद है आपका, सब लोग बड़ा देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं। तो पॉपुलर भाई इतना अफसोस से क्यों कह रहे हैं आप ऐसे करें तो शिकायत, तुम्हारा बड़ा जलवा है सब लोग देखते हैं, मतलब ऐसा इतना इतना दुखी हो के क्यों कह रहे हैं? अर्चना जी की खूबसूरती की भी चर्चे सब जगह है, मेरी चार पंक्तियां सुन लीजिए। मैं समझ गया, देहरादून पास पड़ता ना मेरठ वालों को, सीधे ही हो गए पॉपुलर। अच्छा जी, देखिए माफ कीजिएगा, चंदू, जोसफ, आरिफ और करतार पागल हो गए। चंदू, जोसफ, आरिफ और करतार पागल हो गए, प्यार से जब उसने देखा चार पागल हो गए। प्यार से जब उसने देखा चार पागल हो गए, मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था। हाँ। मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। क्या बात है सर, इससे तो जाहिर हो ही जाता है इनकी उम्र। देखो अर्चना जी, आप जी। प्रेशर कुकर कितना ही पुराना हो जाए, सीटी मारना छोड़ ही नहीं सकता सर।
मैं संजय भाई के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ. ये अपने जब सम्मेलन होते हैं ना, उसमें खुद का स्वागत और खुद की तारीफ खुद ही कर लेते हैं. ये मेरे जैसे ही है. आपको सामने वाले भी यकीन नहीं होता? बिल्कुल यकीन नहीं होता. तारीफ की जगह और कुछ कर दे तो. और यकीन इसलिए नहीं होता कि संजय को एक व्यक्ति ने पूछा एक दिन कि आप कवि हो. प्रोग्राम के बाद पूछा. ये अच्छा रहा. तो इसलिए इसने सोचा खुद ही शुरू कर दो बस आज से. शैलेश भाई, मैंने सुना भाभी जी भी लिखती हैं. जी बहुत अच्छा लिखती हैं. तो आपकी जब शादी हुई तो कुंडलियां मिलाएंगी कि कविताएं मिलाएंगी, काफी मिलाएंगे तो कैसे? देखिए, वो उसकी किताब मुझसे पहले आई थी. अच्छा, हिंदी कविता की, जब वो 12th क्लास में थी, सुरभि नाम से. अच्छा जी. और वो तो खैर मैनेजमेंट की प्रोफेसर हैं, डीन हैं, डायरेक्टर हैं, और मैनेजमेंट पे लिखती है. लेकिन उसके बाद पहली बार, जब शादी के बाद, पहले तो कविताएं नहीं मिलाई गई, लेकिन बाद में कविताएं मिलाई गई. अच्छा जी. हिंदी साहित्य में एक अनूठा प्रयोग हुआ. उनकी और मेरी दोनों की कविताओं की एक किताब साथ में आई, एक बात तेरी एक बात मेरी. अच्छा जी. वो 40 कविताएं थी, समान शीर्षक थे. एक पेज पे उनका अंदाज, एक पेज पे मेरा अंदाज. ये बुक में ही ऐसा हो सकता है कि एक बात वो कहें, एक बात आप कहें. जी जी. अदरवाइज तो वही कहती होगी. वही कहते हैं. इसके सिवाय तो कोई चारा ही नहीं है, सिर्फ सुनना है हमें. हाँ. तो, लेकिन वहां तो किताब में तो लिखने का काम था, तो लिख दिया. कभी ऐसा हुआ शैलेश भाई, आपने कोई कविता लिखी हो और भाभी ने पढ़ ली हो और आपको कहना पड़ गया हो कि आप ही के लिए लिखी है, लिखी आपने किसी और के लिए? देखिए, कवि मूलतः पुरुष होता है. जी. तो उसे पता होता है कौन सी कविता किस जगह छोड़नी है. हाँ. तो लिखी तो थी लेकिन वहाँ छूटी नहीं. जैसे आप दोनों ही लिखते हो. जी. तो बच्चों को पढ़ाते भी हो कि उनको भी लिखाते हो आप? मेरी जो बिटिया है उसकी किताब 18 साल की उम्र में उसने और उसकी मदर ने मिलकर एक किताब लिखी. बिटिया 18 साल की हो गई? वो 21 की हो गई है. वाओ. आप कितने के हैं? अब देखो, उम्र तो मैं क्या बताऊं तुम्हें कपिल. क्यों, आप महिला है? मैं महिला तो नहीं हूँ. अगर मैं उम्र बताऊंगा तो महिलाओं को पता चल जाएगी, इसलिए नहीं बता रहा. मुमताज जी, आपके चक्कर में तो कई शायर बने होंगे, आई एम श्योर. आप किस चक्कर में शायर बन गई आप? किसी ना किसी चक्कर में तो बनी थी. अब आप पूछ रहे हैं तो मैं बताती हूँ कि मैं बहुत छोटी थी और स्कूल जाती थी. अच्छा जी. तो वहाँ पर साइकिल से जाते थे पहले. आप जानते हैं कि सारे बच्चे आमतौर से साइकिल से ही जाते थे. तो जब मैं जाती थी तो एक बंदा आता था और बस हमारा इतना सा टकराव होता था. वो आगे चला जाता था, मैं आगे चली जाती थी. ना मैंने उससे कभी कुछ कहा, ना उसने मुझसे कभी कुछ कहा. और वो शायरी में शायद कुछ. कभी रास्ते में साइकिल भी पंक्चर नहीं हुआ दोनों में से एक का? कभी नहीं. बस शायरी होती गई और वो नहीं मिला कभी. कितना दर्द है मतलब इस कहानी में. मैं एक मतला सुनाती हूँ. जी. कि तुझे कैसे इल्म न हो सका, बड़ी दूर तक ये खबर गई. तुझे कैसे बड़ी दूर तक ये खबर गई कि तेरे ही शहर की शायरा तेरे इंतजार में मर गई. क्या बात है. चार पंक्तियां मैं और पढ़ना चाहती हूँ. जी. मैं आपका शो हमेशा देखती हूँ, मैं भी देखती हूँ, मेरी बेटी भी देखती है. और मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि आपके इस पूरे प्रोग्राम के दो हिस्से हैं. एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा वो है. जी. इस हिस्से को 8-10 लोग संभालते हैं, लेकिन उस हिस्से को सिर्फ अर्चना जी संभालती है. तो मैं आपको बहुत बहुत महिला सशक्तिकरण को सलाम हमारा. आप एक स्तंभ की तरह हैं, वहाँ बैठी रहती हैं. और मैंने चार पंक्तियां कही हैं, आप सुनिए. कि एक और भी बंदा था, वो भी संभालता तो उस एरिया को. चलो वो हम बात नहीं करेंगे. मैंने भी संभाल लिया. जी जी. के वो जलती धूप में भी मुस्कुराए, कभी रोती बहुत बरसात में है. वो जलती धूप में भी मुस्कुराए, कभी रोती बहुत बरसात में है. समझती ही नहीं बातें किसी की, अजब पागल सी लड़की साथ में है. अजब पागल सी लड़की साथ में. अब देखा कपिल, आप
फर्क ये है, ये कहा कि तेरे तेरे शहर की शायरा तेरे इंतजार में मर गई। और देखो बेचारा मर्द कितना शरीफ होता है। तुमने यहाँ सबसे पहले आगे कहा मैं कहीं कवि ना बन जाऊँ तेरे प्यार में कविता, लेकिन मेरी कविता घर बैठी है। ये शराफत है जी, जी ये शराफत है। तो सूर्य कुमार पांडे जी हमारे कवि हैं लखनऊ के जी, उनकी दो लाइनें मुझे याद आ गई जी। इस शराफत पे कितना शरीफ शख्स है, पत्नी को चाहता है। कितना शरीफ शख्स है, पत्नी को चाहता है, और उस पे भी कमाल ये है कि अपनी को चाहता है। और वाह क्या बात है, क्या बात है। कपिल भाई हम लोगों के पास महदूद होते हैं, यानी कि बीवी के ऊपर जरूर सीमित होते हैं जी। तो हम वाइफ पे जरूर कहते हैं कि फनकार हम है, जहन की ऊंची उड़ान है, दुनिया ये जानती है हमारी जो शान है। बेगम कहोगे हमको कहाँ तक बुरा भला, बस चुप रहो हमारे भी मुंह में जबान है। अब ये कह रहे हैं प्रेमी प्रेमिका की बात, काफी देर से मैं सुना, मैं बड़ा थोड़ा इस मामले में फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि मैं मारवाड़ी आदमी कभी प्रेम पे कविता मैंने जीवन में लिखी नहीं। अच्छा, अच्छा ऐसे क्यों? टाइम वेस्ट होता है ना ये। मारवाड़ी आदमी प्यार पे कविताएं लिखे, इतनी देर में तो 8 बार प्यार कर ले। मतलब लेकिन शैलेश भाई एक बात है, प्रेम करने वाले को कभी हृदय रोग नहीं होता जी, क्योंकि उनका हृदय हमेशा दूसरों के पास रहता। क्या बात, क्या बात है। अजय प्रेम करने पर मुझे चार पंक्ति याद आ गई जी जी, कि गमी मिलता है मुकद्दर जो खफा होता है। गम ही मिलता है मुकद्दर जो खफा होता है, दिल है बेताब बहुत देखिए क्या होता है, उठ गई डोली मेरी बारहवीं महबूबा की, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वही होता है मंजूर खुदा। और कपिल भाई जब हम आ रहे थे तो कहने लगे कि अर्चना जी बहुत मुस्कुराती हैं बहुत, तो मैंने कहा भाई मैं तो बहुत डरता हूँ मुस्कुराते इस तरह के, तो ये उसमें चार पंक्ति सुने कि बनावटी है ये मुस्कान इन हसीनों की, हसीन पे इनकी कभी ऐतबार मत करना। अच्छा। पुलिस के डंडों ने समझाई है ये बात हमें। अच्छा। अमीर बाप की बेटी से प्यार मत करना। क्या बात है, पुलिस के डंडों ने समझाई है ये बात हमें। सही बात है, आप तो इतने चमक रहे हैं पॉपुलर साहब। हाँ कसम से। और आप और देखिए मैं बहुत दूर तक चमकता हूँ। बात ये है कपिल भाई, ये डर सबको लगता है और आप तो बहुत अनुभवी आदमी हैं इस मामले जी। हाँ तो याद है लुगाई के डर से। अच्छा हाँ। इन्होंने इसका हाथ पकड़ लिया, बीच में कुछ ना सुना दे। के भाई मैं सुना रहा हूँ, मेरा नहीं मेरा नंबर है, बीच में कुछ सुना मत दियो, पकड़ के बैठे। मैंने कहा दांत इसी हाथ से देना ही है केवल। वो एक आदमी गया एक बाबा जी के पास और बाबा जी से जाकर बोला, बाबा घराली बस में नहीं आती। घराली बस में नहीं। अरे बोले बेटा बस में नहीं आती तो कार में ला। बोले कार में नहीं बाबा, काबू में नहीं आती, कंट्रोल में नहीं आती। तो बाबा ने उसके 6-7 चिमटे मारे। बोले साले मेरी आती तो मैं बाबा जी होता के। अब दोनों में शैलेश भाई संवाद आगे बढ़ता है। बोले बाबा मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये शादी क्या है, विवाह क्या है। बाबा बोला बेटा शादी दो आत्माओं का मिलन है जी। एक रात दो आत्माओं के मिलने के बाद सारी जिंदगी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए छटपटाती रहती है। बढ़िया भाई, बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। मेरे से किसी ने पूछा कि तुम अपनी लुगाई से कितना प्रेम करते हो। बहुत ज्यादा करता हूँ। एक ही प्रार्थना करता हूँ कपिल भाई, शैलेश भाई, हे भगवान मेरी जैसी लुगाई सबको देना। सबको देना, सबको देना, और हिम्मत हो तो तू खुद भी रख के देखना। वाह वाह, मैं वही देख रहा हूँ कि शैलेश भाई या संजय भाई या पॉपुलर साहब ये जो बीवियों के ऊपर हंसी मजाक कर रहे हैं, और शरारत जो मैं देख रहा हूँ आपकी आंखों में। मैं सोचता हूँ अब ये हाल है तो कॉलेज के दिनों में क्या करते होंगे आप लोग। वो तो इनका मस्तक देख के पता नहीं चल रहा कि क्या क्या किया होगा जिसका परिणाम ये है। अब आप देखिए इसी पे चार मिसरे मुझे याद आ गई कि पकड़ा पुलिस ने, ख्वाबों की दुनिया बिखर गई, डंडे दिए दिखाई जहां तक नजर गई, थाने में रह गई कि तेरे घर के सामने मैं झुक के ढूंढता हूँ जवानी किधर गई। ये लोग इतनी सारी शायरी सुना रहे हैं, मैंने एक गजल लिखी है। आजकल के मर्दों की कहानियां सुनते हैं सब लोग,
अब जमाना बदल गया है, औरतें भी बदल गई हैं, बदलना भी चाहिए जी। तो मेरी एक बड़ी मजबूत सी और बड़ी खूबसूरत सी, बड़ी स्वाभिमानी गजल है जी। मैं खुद ही आज अपने इंतखाब में उलझ गई, तेरे ख्याल से बची तो ख्वाब में उलझ गई। मैं खुद ही आज अपने इंतखाब में उलझ गई, तेरे ख्याल से बची तो ख्वाब में उलझ गई। जो घर के कामकाज से निजात क्या जरा मिली, मैं तेरी बेवफाई के हिसाब में उलझ गई। समझ रही थी, समझ रही थी प्यार एक खुशगवार मोड़ है, मेरे खुदा में किस नए अजाब में उलझ गई। और मेरी तरह बताओ क्या तुम्हें भी मुझसे प्यार है, सवाल वो किया कि मैं जवाब में उलझ गई। और आखिरी शेर, मैं रोशनी की दोस्त, मुझको रोशनी अजीज है, छुपा जो आफ्ताब महताब में उलझ गई। वाह क्या बात है। अच्छा मैं एक बात पूछना चाहता था, जैसे मान लो अगर श्रृंगार रस के कवि हैं, उनकी पत्नी नाराज हो गई तो कोई रोमांटिक कविता सुना के उन्होंने उनको मना लिया, हास्य कवि जो होता है अगर उनकी बीवी रूठ गई है तो रूठेपन में अगर आप और हंसी मजाक करो वो तो और चिढ़ जाती हैं, तो फिर क्या हथियार होता है आपके पास? उसका एक ही हथियार है, जिस वक्त बीवी लड़ाई करे, खूब देर लड़ाई करो, तो सिर्फ एक वाक्य बोल दो, इतनी सुंदर है तो कुछ भी बोलेगी। तो प्लस साहब आपकी कविता है ना कि लड़कियां ना ना ओह बड़ा अच्छा करती है, वो एक बार हो जाए जरा, काफी यूथ भी यहाँ पे विराजमान है। शुक्रिया। कई बार ना ना, कई बार कई बार ना ना, कई बार ये क्या चीज है मेरे यार, ये क्या चीज है ऐ मेरे यार, किया जब मुलाकात का जिक्र मैंने, वो करती रही बस लगातार। जब आप कॉलेज में पढ़ती थी तो लड़के आपको हिम्मत करते थे शेर सुनाने की? डरते होंगे ये तो कमियां ना निकाल दे कि तुम्हारा नुक्ता ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग एक तो को-एजुकेशन में नहीं पढ़े हैं। अच्छा जी। और दूसरा अलीगढ़ की रहने वाली हूँ तो वहाँ का माहौल भी ऐसा नहीं है। अच्छा जी। लेकिन अगर वो नहीं कह पाते थे तो मैं कह देती थी। अच्छा जी। तो मैंने शायरी में एक मेरा मतला है बड़ा खूबसूरत है, मुझे अच्छा लगता है कि कर तुलूं एतराफ़े मोहब्बत, तुम फसाना बना तो न दोगे। कर तुलूं एतराफ़े मोहब्बत, तुम फसाना बना तो न दोगे। मैं तुम्हें खत तो लिख दूं मगर तुम दोस्तों को दिखा तो न दोगे। ये टीनेजर, टीनेजर की बड़ी समस्या है ये। इसी से जुड़ा हुआ एक और शेर है, आप सुने कि रंग ही रंग हो सिर्फ जिसमें ऐसी तहरीर क्यों मांगते हो, रंग ही रंग हो सिर्फ जिसमें ऐसी तहरीर क्यों मांगते हो, जब मैं खुद हो गई हूँ तुम्हारी मेरी तस्वीर क्यों मांगते हो। और जब आप अच्छी तरह से खा लेती हैं छोले भटूरे उसके बाद खीर क्यों मांगते हो, ये इनके लिए था। वाह ये जो काफिया मिलाया है तुमने खीर का, भाई कमाल हो गया ये तो। लेकिन जो खत की बात कर रही थी, हमारे जमाने में तो खत कोई दिखा भी दे तो क्या दिखाए, मतलब वो जो खतों की शायरी बड़ी कमाल की होती थी हमारी जी। एक तो फिक्स शेर था उस जमाने का, सीसी भरी गुलाब की, शीशी होता ही नहीं, शीशी सवाल ही नहीं, सीसी भरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दूं, पत्थर पत्थर नहीं पत्थर, सीसी भरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दूं, तुझ जैसी मिल जाए घर वालों को छोड़। खत का जिक्र आया तो मुझे भी चार पंक्ति याद आ गई जी, कि नफरत का सिलसिला था मुझे कुछ पता नहीं, नफरत का सिलसिला था मुझे कुछ पता नहीं, किस बात का गिला था मुझे कुछ पता नहीं, इतना तो याद है तेरे डैडी मिले थे कल, डंडा कहाँ पड़ा था मुझे कुछ पता नहीं। ये मैंने देखा है चार बार पॉपुलर साहब की शायरी में डंडों का जिक्र आ गया, जिक्र है। तो कितनी उम्र तक खाए पॉपुलर साहब आप? तुम क्या समझोगे तमाचों का हुनर, तुम क्या समझोगे तमाचों का हुनर, जिंदगी बीवी नहीं ये गुलजार की, और मैं तो टॉनिक ले रहा हूँ सुबह शाम, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। ये जो है और देखिए कैसा हैरतनाक तकनीकी जमाना आ गया, यूं लगा जैसे के खतरे में समंदर भर दिया। अब मेरी सासू माँ भी है कैसी गजब की साइंटिस्ट, रोज फटने वाला बम मेरे हवाले कर दिया।
क्या बात है, बहुत अच्छा। और मैं हूँ जिस हाल में, ऐ मेरे सनम रहने दे। अच्छा क्या? मैं हूँ जिस हाल में, ऐ मेरे सनम रहने दे, चाकू मत दे मेरे हाथों में कलम रहने दे। मैं तो शायर हूँ, मेरा दिल है बहुत ही नाजुक, मैं पटाखे से मर जाऊंगा बम रहने दे। क्या बात है, बहुत अच्छे, पॉपुलर साहब, बहुत अच्छे, शुक्रिया, बहुत अच्छा। कपिल, जो देखने वाली चीज ये है कि तमाम कवि शायर, जो कि मैं 10 साल की उम्र से ये कर रहा हूँ, इन्हें देखता हूँ, हम लोग जहाँ से निकल गए, तुम अमृतसर में अपने एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से निकल गए, बचपन कैसे बीता तुम भी गए होंगे, हम लोगों ने ऐसी जिंदगी निकाली है, तब उसमें से निकाल के लेके आता हूँ कि सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, हैंडपंप में पानी भरने जाते जी, कि सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, दफ्तर में बैठ के यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस न जाना पड़े जहाँ माँ खांसती हुई मिलेगी, मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा, बच्चों के टूटे खिलौनों को कितनी बार जोड़ पाऊंगा, बीवी की फटी साड़ी में से झांकेंगे सपने, आखिर वही तो है अपने, भले ही हर दिन बोझ है और खुद पर उधार है, अरे तू जैसी भी है जिंदगी, मुझे तुझसे प्यार है। ये हमारी जिंदगी का सच है। आज कसम से आप लोग बैठे हैं, मेरा कुछ सवाल वाल वाला मेरा वो मूड ही नहीं, मैं तो दिल करता कि आपको मैं सुनता जाऊं। नहीं, सवाल करो, चार कागज और निकाल लेंगे नीचे। अच्छा, इनका कोई भरोसा नहीं, बिना कागज निकाले चार पंक्तियां जी। हाय उस मेले में तुम ही नहीं खोए हम भी, हाय उस मेले में तुम ही नहीं खोए हम भी, फिर जरा देर को दिल खोल के रोए हम भी, दो मिनट बाद कोई और मिली मेले में, उसको घर लाके तब आराम से सोए हम भी। ओहो वाह, पॉपुलर साहब सच सच बताना, ये वाले जो शेर आप कह रहे हैं कि उसको गले लग के हाँ सोए हम भी, ये शेर आप पत्नी के सामने कहे हैं कभी आपने? नहीं, वो दूसरों की पत्नी के सामने बताया। लेकिन हम शायरी में बात तो अपनी पत्नी की तरफ से करते हैं, अगर कहीं इधर उधर कर दिया तो फिर आपको पता ही क्या होगा, तो उससे बचते हैं। शैलेश भाई, जब आप मंच पे कविता पढ़ रहे होते हैं, बहुत बार मैंने देखा कवि लोग बोलते हैं ना कि मंच का ध्यान चाहूंगा, ऑडियंस तो सुनी रही है, आपको कैसे पता चल रहा है इन सब का ध्यान कहीं और है? क्योंकि पता क्या, पता ही होता है, ध्यान और ही होता है कहीं का। एक ही लाइन एक एक हजार बार सुनी हुई, उस पे वाह वाह करना होता है। क्या कह दिया वो, अच्छा कोई उस लाइन पे दाद न दे तो घूम के कहता है ध्यान चाहूंगा, तो एकदम तुरंत उसे वाह वाह करना, मंच पे ऐसा हो जाता है कई बार। अच्छा उसमें क्या, आदमी जब बढ़ा चढ़ा के बातें करता है तो पब्लिक भी कई बार शांत कर देती है। अच्छा, मैं संचालन करता हूं तो एक बार कोई और संचालन कर रहे थे, तो होता है पब्लिक पे, दिल्ली के आसपास का प्रोग्राम था, उनका भाई तारीफ करते ना ये है और सब ये बड़े ये वो तो ये वो कवि आए हैं जिन्हें कौन नहीं जानता, एक खड़ा हो गया था, मैं नहीं जानता। मुझे बताओ कौन है। अरे अर्चना जी, अर्चना जी, मैंने एक शेर लिखा है, जरा बताइए कैसा है। इशाद, चलती है गाड़ी उड़ती है धूल। अच्छा, चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, मैं जरा सा पेंगुइन जैसा क्या दिखने लगा, तुम गई मुझे भूल। मैंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए लिखा है, ठीक है शेर, बहुत बढ़िया। शर्मा तुम बता, यार मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, इनसे पूछ रहा हूँ, क्या बात है, क्या बात है शर्मा, तुमने बताया नहीं यार, इतने बड़े बड़े शायर तशरीफ लाए आज हमारे यहाँ। शायर बड़े वही हैं लेकिन तशरीफ आप ही बड़ी लेकर आए। आइए यार, थोड़ा सा तशरीफ तो रखने दीजिए। लव यू ब्रो, लव यू, लव यू। आहा, वैसे आप सभी शायरों का हम अपनी इस छोटी सी कुटिया में इस्तकबाल करते हैं। वाह, क्या बात है, देख लो यहाँ तक बाल नहीं आए लेकिन इस्तकबाल पूरा करते हैं। यार मैं आपसे ना बाद में बात करता हूँ। ओके सर, तो मुमताज जी, एक शेर आपके लिए पेश खिदमत है कि भाई हुस्न अंबरी। ओहो,
हुस्न-ए अंबरी तबस्सुमे आफरी, हुस्न-ए अंबरी तबस्सुमे आफरी, खुशामदी खुशामदी खुशामदी। कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते हो आप भाई साहब? जिससे कहना था हमने कह दिया, वो समझ लेंगे। आप जरा यहाँ से अलविदाए फुरफुर हो जाइए। मतलब आपसे जो कहना था कह दिया, अब आप समझ लेंगे। अब ये क्या है? ये अपने आप से कुछ कहना था कह दिया, अभी हम समझ लेंगे। भाई मानना पड़ेगा, लेकिन मुमताज जी बहुत खूबसूरत हैं आप। आपको शर्म नहीं आती? वो शादीशुदा फ्लर्ट कर रहे हैं। मैं कौन सा कुवारा मर रहा हूँ यार? मैं भी शादीशुदा हूँ। पॉपुलर मेरठी जी, मैं अपना भी तारुफ करा दूँ। मायसेल्फ वकील दामोदर स्विट्जरलैंडिया। समझ में आ गया। वो तो मेरठ से हैं, तो इसलिए पॉपुलर मेरठी हैं। आप स्विट्जरलैंड गए कभी? नहीं, गया तो मैं अपने माँ बाप पे भी नहीं हूँ। स्विट्जरलैंड तो बहुत दूर की बात है। वैसे एक शेर पेश है, खिदमत है जी जी मुमताज जी के लिए। हाय हाय। पर आप सारे शेर मुमताज जी के लिए, बाकी लोग क्या केले बेचने आए? क्या कहूँ अब मैं क्या कहूँ? इंस्पिरेशन है उनकी। इंस्पिरेशन होगी तो ही तो शेर निकलेगा। और आपको तो कॉन्स्टिपेशन भी है। अर्ज किया है इरशाद इरशाद के आपके बगैर, आपके बगैर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसे ध्यान से देखो, कहीं से भी इंसान का बच्चा नहीं लगता। ये शेर पढ़ रहे हैं आप? शेर मार रहे हैं उनके सामने आप? ये मेरा शेर तो इन्होंने खराब कर दिया। मैं अगला शेर पेश खिदमत कर रहा हूँ। तो अर्ज किया है, मैं इस उम्मीद में डूबा कि तू बचा लेगा। तू बचा, उम्मीद में डूबा कि तू बचा लेगा। मुझे क्या पता था इतने से काम का तू मुझसे 1500 रुपया लेगा। वाह वाह। वो काम क्यों छोड़ा आपने? जो कौन सा वाला? वही वाला। कौन सा वाला? वो जो आप गाड़ी को रस्सी से बांध के ऐसे टो करके लेके जाते थे, वो मैंने छोड़ दिया। उस काम में क्या कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हाँ, ये है? काम क्या मैं 50 रुपए में करता था। अच्छा। फिर ये आई 25 में करना शुरू कर दिया। करने के आए हो आप यहाँ पे? देखो दोस्त, इस सवाल का जवाब जीवन में जिसको मिल गया कि आप जीवन में करने क्या आए हैं। इस सवाल का जवाब जिसे मिल गया उसके जीवन में सारे दुख दर्द शिकवे गिले रंजिशें सब कुछ सब समाप्त। पर मैं यहाँ करने के आया हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं वकालत छोड़ रहा हूँ। अच्छा। मैं शायर बनूंगा। सही है। नहीं नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं शायर बनूंगा। पता है क्यों? हाँ। आप लोग शायरी सुनाते हैं, लोग कहते हैं वाह वाह मुकर्रर वंस मोर। ये मौका हमें भी चाहिए यार। हाँ। हमें भी स्टारडम चाहिए, हमें भी पॉपुलर होना है भाई, हमें भी चाहिए। बिल्कुल पंजे जी, मैं आपके लिए एक शेर लिखा। अच्छा नहीं बना। नहीं, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। नहीं बना, ठीक है। नहीं बना तो उसको छोड़ देते हैं। रहने दे यार। पर मैंने कदम खाई कि मैं इससे बेहतर लिख के दिखाऊंगा। फिर मैंने लिखा। अच्छा। और वो मैं मुमताज जी के लिए अर्ज करता हूँ। मैं सुना दूं? आप सुनाइए। तो मैं आपकी ओर एक शेर सरका रहा हूं। हाँ। जी जी। सरका रहा हूं। तो अर्ज किया है जी कि दुनिया में कुछ नहीं रह गया, ये दुनिया महज सिर्फ एक मेला है। ओहो। इस दुनिया में कुछ नहीं रह गया, ये दुनिया महज सिर्फ एक मेला है। जहाँ खड़ा होके इंतजार करता था मैं उसका घंटों। हाँ। आज वहीं पर मेरा पानी पूरी का ठेला। अच्छा यार। पर ठेला क्यों लगाया आपने? आप चार पहिए लगाओ, दो घोड़े लगाओ, शाही रथ बन सकते हैं आप। 12 पहिए लगा के मैं ट्रक ही ना बन जाऊं? वो भी ठीक है। खैर,
इतने बड़े बड़े शायर आए हुए हैं तो लगे हाथों में एक और सवाल पूछना चाह रहा था। लगे हाथों क्यों, मतलब क्या? अरे मेरे बाप ठीक है, लटके हाथों पूछना चाह रहा हूँ। मैं खड़े हाथों सवाल पूछना चाह रहा हूँ, नाचते हाथों पूछना चाह रहा हूँ। पूछो बाबा। पूछ रहा हूँ तो मैं नाचते हाथों आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था कि जो शेर व शायरी करते हैं आप लोग, इसमें दिल को इतना तवज्जो क्यों देते हैं? दिल ही क्यों धड़कता है? कभी कहो कि मेरा फेफड़ा फफड़ता है तुम्हारे लिए। कह दो कभी मेरी किडनी ककड़ती है तुम्हारे लिए, मेरी अंतड़ियां अतड़ती है तुम्हारे लिए। अगर शायर इस तरह की शायरी करेगा तो पिस्ता रहेगा। बॉडी पार्ट यूज करो यार। नहीं आप करेंगे लेकिन। नहीं नहीं, आपने क्या है कि बहुत मोनोपोली बना दिया ये। और एक और चीज आप लोग बहुत करते हैं, मुझे गलत लगता है। हाँ। यार आए दिन आप लोगों से कहते हैं कि मैं तुम्हारे चांद तारे तोड़ लाऊंगा। आपकी क्या, आपकी महबूबा इन बातों को समझती होगी, हमारी नहीं समझती। अच्छा। वो लिटरल ले लेती है। हाँ। पीछे पड़ जाती है कि भाई चांद तारे तोड़ के लाओ, लाओ। और आप एक बार आके जरा मेरी वाली देखिए, उसके लिए मैं अमरूद तोड़ के ना लाऊं। वकील साहब आपको मैं बताना भूल गया। हाँ। आपके जाने का टाइम हो गया। इस सवाल का जवाब दोस्त अगर किसी के पास दुनिया में हो कि तुम्हारे जाने का टाइम कब है। ये सवाल का जवाब जिसको मिल गया ना कि तुम्हें कब जाना है, फिर क्या है, फिर उसके जीवन में ना दुख है ना दर्द है। ये बात आप पहले भी बोल चुके हैं। ये एक एक शेर 25 बार बोलते हैं, उनको कुछ नहीं कह रहा। तीन चार शेर आपने पढ़े, मैं दो तीन शेर तो पढ़ूंगी। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपकी आंखों में आके डाल के सुनूंगा। अब ऐसा क्या है कि जिसको छुपा रही हूँ मैं, खुद अपने आप से आंखें चुरा रही हूँ मैं। वाह वाह। ओहो। वो एक बात जो कहना बहुत जरूरी है, उसी को कहते हुए हिचकिचा रही हूँ मैं। मैं जानती हूँ मोहब्बत इसी को कहते हैं, तेरे ख्याल को जो गुनगुना रही हूँ मैं, अभी भी सोच रही हूँ तुम्हारे बारे में, कि सोच सोच के फिर मुस्कुरा रही हूँ मैं, कि सोच सोच के फिर मुस्कुरा रही हूँ। मजाक कर रही है वो, सीरियसली मत लेना। वकील साहब, वही क्या बात है, क्या बात है। वकील साहब, इसके आगे का शेर आपने नहीं सुना जो पीछे है कि मेरी बदकिस्मती तो देखिए, मेरी बदकिस्मती तो देखिए, कपिल पीछे खड़ा है और तुम्हें शेर सुना रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी हुई भाई आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू, शुक्रिया भैया। भाई एक मैं बड़ा सीरियस क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, वेरी इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन। अच्छा। कि जब ऑर्गेनाइजर कोई आपको लेके जाते हैं किसी का भी सम्मेलन के लिए, तो वो लिफाफा देते हैं जो, जी मैक्सिमम कितनी देर तक आप खोल के देख लेते हो, आसपास कोई देखते हो कि बाथरूम जाएं उसके बहाने अंदर जाके चेक करें कि पूरे हैं कि नहीं? हिंदी कवि सम्मेलन फिक्स है, लिफाफा मिलते हर कभी बाथरूम जाता है। ये तय है, मतलब लिफाफा मिला नहीं अंदर। हम लोग कलम के धनी लोग हैं। नहीं, मुशायरों में भी ऐसे ही होता है। अब ये की बात है, मतलब मंच के लोग, क्योंकि हमारे कल जो सीनियर आयोजक थे ना, वो तो बड़े कमाल के थे। जब ट्रेन छूटने वाली होती थी तब पेमेंट देते थे। हाँ। जैसे ही आप निकल रहे हो ट्रेन, रख ले ताकि गिन के कम भी ट्रेन निकल जाए, उसके बाद ही गिनो आप। हाँ, कम निकले तो फिर आप देखो छूट गया। मैंने देखा है जो कवि होते हैं वो पॉलिटिकल स्टायर भी बहुत करते हैं। कभी आप किसी मुशायरे में गए हो या फंक्शन में, वहां पे आपने कविता पढ़ी हो और मैं जरा आके बोला हो, भाई जिस पार्टी के बारे में बोल रहे हो उसी पार्टी का फंक्शन है, फिर आप पलटी मारते हो सब। अरे ये तो अक्सर होता है, इसे सारे कवि कह देते हैं। मैं एक नेताओं पे कविता सुना रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ के नेताओं के लिए नहीं है। यहाँ के नेता तो देवता स्वरूप है, ये मैं अपने प्रदेश के लिए कह रहा हूँ। ये कहकर सब बच जाते हैं। हमारे वहाँ का एक फिक्स जुमला है जो हर कवि कहता है कि ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, मुझे सही सलामत घर भी लौटना है, पहले ही कह देते हैं। पर आम आदमी के साथ जो जुड़ी समस्याएं होती हैं उनपे आप बड़े ही सरल तरीके से और बड़ी खूबसूरती से कह जाते हैं, कुछ ऐसा ही हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। संजय भाई कुछ ऐसा? भारत चमत्कारों का देश है कपिल भाई, यहाँ चमत्कार होते रहते हैं। तो कुछ समय पहले अमेरिका से एक यात्री आता है, स्टैनली मॉरिस नोबल।
और सोचता है कि भ्रमण से पहले एक बार मंदिर के दर्शन कर लूं जो एयरपोर्ट से बाहर निकलता है और भगवान के दर्शन करने पहुंचता है, बस यहीं से प्रारंभ होता है। स्टैनली मॉरिस नॉबल जो ही भगवान के मंदिर के दर्शन करके नीचे उतरा, जो ही एक चमत्कार हुआ, उसकी चप्पलें गायब थी। मॉरिस नॉबल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। इतने में ही एक श्वेत धवल स्निग्ध और हिमाच्छादित दूत आकर उसे उपदेश देने लगा। कहने लगा, मां शुचः, शोक मत कर, धैर्य धारण कर, जो होता है वो होता है बिल्कुल सही, मुझे देख मेरी भी गई। तुच्छ चप्पल के लिए आंसू बहा रहा है, मुझे देख क्या मैं रो रहा हूं? मैं रो नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आदमी बड़ा हार्ड हूं। मैं रो नहीं सकता क्योंकि मैं यहां का सुरक्षा गार्ड हूं। वाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह। थोड़ा गम खा, थोड़ा ठहर ले, जुगाड़ होते ही किसी की भी पहन ले। बढ़िया। और ये बात मैंने किसी से नहीं कह रखी है, मुझे देख मैंने भी ऐसे ही पहन रखी है। मॉरिस नॉबल बोला, बात पर आनंद लेंगे। मॉरिस नॉबल बोला, मान तुमने जो कहा है वो बात एकदम सही है, लेकिन तुमने जो पहन रखा है अब उनका यही है। ये चमत्कार जिंदगी से, मैं सच्ची घटना बताऊं, निकल के इसलिए आते हैं। जैसे मैंने कहा था, मेरे पिताजी बड़े पिताजी किस्म के पिताजी हैं, उनका ह्यूमर इतना स्ट्रॉन्ग है। ये संजय झाला सच्ची घटना, हमारे घर आए अर्चना जी, और जैसा कि खुद की तारीफ खुद ही कर लेता है। अच्छा। और ये इनको पता ही नहीं कि मेरे बाप से मिल रहे थे। अच्छा। जब पहली बार आए, मैं संजय झाला देश का कवि हूँ, और मेरे को आचार्य कहते हैं, प्यासे के आचार्य से मिलने आया, और ये तो बोले इस घर में सबसे बड़ा आचार्य तो मैं हूँ। अरे बोले नहीं, उनसे मेरा नाम लिया, उनसे मिलने आया। चले जी, अच्छा ठीक है, मैं कवि हूँ। पिताजी बोले, अच्छा एक कुर्सी ले और बैठ जा। तो इन्होंने लगा कि मेरा परिचय ध्यान से सुना नहीं है। बोले सर, मैं संजय झाला देश का बहुत बड़ा कवि। बोले दो कुर्सी लेके बैठ जा। ये जिंदगी में चमत्कार खुद ही निकल के आते हैं। बहुत बढ़िया। मैं उनका बता दूं, अभी उनको ईश्वर उन्हें शतायु करे, किडनी की समस्या है, तो अभी अस्पताल में काफी दिन रहे और अभी भी दिक्कत में है, लेकिन उनका ह्यूमर वहां भी खत्म नहीं हुआ। अच्छा जी। जब अस्पताल में गए तो बोले, यार बहुत दिन हो गए यार, अब घर चले। मैंने कहा, देख लो घर पे मम्मी है। बोले फिर यही रहने थे। फिर बोले, यार ये किडनी का क्या है क्या? मैंने कहा, देखें बात करते हैं, शायद ट्रांसप्लांट हो जाए। तो बोले पूछ पुरानी का क्या देंगे। ये उनका ह्यूमर, ये जिंदगी का ह्यूमर है। हम गाली भी नहीं देते बिना बात की। अच्छा। गाली भी नहीं देते। ये मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में सुनाया था। ये बोले, बिना गाली दिए काम चल सकता है तो क्यों देने। जब जा रहे थे ट्रेन के अंदर, तो ट्रेन में जा रहे थे तो कहीं चाय वाय पीने उतरे, तो वापस आके देखा तो उनकी सीट पे एक आदमी बैठा हुआ था। अच्छा। अब वो के मेरी सीट, मैं चाहता तो गाली दे के उठा सकता था, मैं संस्कार नहीं है ना हमारे, गाली क्यों देनी। तो नमस्कार किया, भाई नमस्कार, आपका नाम? बोले शांतिलाल। पिताजी बोले, बहुत अच्छा शांतिलाल जी, आपके पिताजी का नाम? बोले कांतिलाल। बोले शांतिलाल जी, ये सीट कांतिलाल जी की नहीं है। कैसे ह्यूमर कैसे निकलता है जिंदगी से। उनका टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है कि उनके शब्द बाद में आते हैं, एक्सप्रेशन पहले आ जाते हैं। अच्छा। थोड़ा टाइमिंग का इशू है। टाइमिंग का इशू है, तो शब्द बाद में निकलते हैं, एक्सप्रेशन पहले आ जाते हैं। तो एक दिन आया मैं जो सुबह ही सुबह घर पे आ गए, बोले मैंने कहा क्या हुआ? अरे मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा क्या? बोले मोटरसाइकिल। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, मोटरसाइकिल लेके बाजार जा रहा था। तो मैंने कहा तो? बोले एक गांव वाला आया, क्लच में धोती फंस गई। मैंने कहा फिर? बोले फट गई धोती।
धोती फट गई तो मैंने कहा फिर बोले मैं जाने लगा उसने मेरा हाथ पकड़ लिया इधर मैंने कहा क्यों क्या हुआ बोले धोती फटी है पैसे दे मैंने कहा कितने बोले 70 रुपए मैंने 70 रुपए दिए अब वो जाने लगा मैंने पकड़ लिया किधर बोले क्यों बोले पैसे दिए धोती दे अच्छा भाई बहुत अच्छा चले जाइए वाह वाह बोले 700 दे के गया बहुत बढ़िया शेर ये हमारे मतलब ऐसे ही जिंदगी में से हाथ से निकलता है व्यंग निकलता है करुणा निकलती है बहुत बढ़िया शरद जोशी जी की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है कि उधार देने वाला दे देता है लेकिन वो कहते हैं उधार मांगने वाला एक बार मांगता है और देने वाला फिर बार बार मांगता है दे दे भाई दे दे अर्चना जी आपको मैं एक और बात बताऊं पॉपुलर मेरठी साहब जो है जी ये मेरठिया अरबी भाषा बड़ी इनको अच्छा ज्ञान है मैंने कोई किस्सा सुना आपका कोई ड्राई फ्रूट की दुकान पे दुबई में क्या हुआ था सर वो थोड़ा प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए असल में मैं मेरे साथ एक कुमार विश्वास साहब थे अच्छा। तो उन्होंने कहा कि जरा आप भी तो अरबी बोल लेते तो मैंने उनसे अरबी में बात की वना यरा मखर ना व हारा इन ले खैर मन वहा वना रिहाश मनो को ने वाला यकर मनु उसी वना खा यंगरणा कपिल भाई वक्री न सुतल में शैलेश भाई वो कराण मुंदल में यार इंदरा मतलब तो मुझे भी नहीं पता पर आप इधर गोरे चिट्टे लगते भी हैं कि इनके तेल के कुएं थे अब लुट चुके हैं आज का जो हमारा एपिसोड है आज का जो हमारा एपिसोड है ये पूरे दुनिया को भाएगा वाह आज बाहर से यहाँ इतने शायर आए हैं हमारा शायर कब वापस आएगा संजय जी का ना फोन आया था मेरे को अच्छा हाँ बोल रहे थे सपना तुम सूट में बहुत अच्छी लगोगी तो देखो सर मैं ये चिकन का सूट पहन कर आई हूँ एक्चुअली वो तो मेरे को पहले मटन का दे रहे थे हाँ लेकिन मेरा ना कोलेस्ट्रॉल का बहुत प्रॉब्लम है ये तो वेजिटेरियन है ये वेजिटेरियन है हाँ काय झाला मजा आला और कैसे अरे देखो मेरे किस्मत का सितारा भी कैसे घुमा है देखो तो मुझे किसने आके चूमा है मेरा काम एक मिनट सर कप्पू वो लोग आए ले तूने उन ध्यान तक नहीं दिया ठीक है अरे वाह अरे वाह हाय मैम थैंक यू सो मच आप तीनों को नए शॉल की बहुत बहुत मुबारक हो हैप्पी न्यू शॉल तो ये सम्मान में नया शॉल दे रही है नहीं नहीं पागल है बेच रही हूँ मैं हाँ ये 1500 का है ये 1200 वाला है सपना तूने शैलेश जी को शॉल क्यों नहीं दिया यही तो बेच रहे हैं मेरे साथ में खैर आप जो सर इतना बढ़िया पोएट्री करते हैं जो आप टीवी वीवी में सर शो भी करते हैं इसमें आपको ज्यादा पैसा नहीं मिलता क्या अरे बहुत पैसे मिलते हैं उनको तो फिर पोएट्री क्यों करते हैं उनको शौक है पोएट्री करने का अच्छा मतलब जो टीवी पे काम करते हैं उसका शौक नहीं है आपको अरे उसका भी दोनों का शौक है अच्छा दो दो शौक है काफी शौकीन आदमी लगते हैं मेरे को खुल रहा है क्या बता दो पहले और संजय जी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर मैंने आपके मैं भी वैसे ही जैसे मैं आपकी हूँ मेरे को एक और चीज आप सब लोगों से पूछने का था लोग जैसे सर दिल टूटने पे शायरी लिखते हैं तो जब टांग टूट जाती है प्लेट टूट जाता है कप टूट जाता है इस पे आप लोग सब शायरी क्यों नहीं लिखते हैं सर फालतू की बातें कर रही इधर आके
ये बार बार क्या पूछता रहता है फालतू की बात। फालतू की बात में बहुत मजा आता है रे कपू। हाँ आजकल की दुनिया सर कितनी नकली हो गई है पॉपुलर अंकल जी। क्या नकली दुनिया, क्या दुनिया काली पुकट। अरे लॉन्ग टाइम नो सी, यहाँ कितना पैसा कमाता है, क्या चल रहा है, वो नाइस है, इन्हीं बातों में लगे रहते हैं। आजकल के सर जितने दोस्त लोग हैं ना वो आपस में टाइम पास नहीं करते, इसलिए लोगों के बाईपास हो रहे हैं। वाह वाह बहुत बढ़िया, टाइम पास करना बहुत जरूरी है। ये इसने जानबूझ के नहीं की, अच्छी बात निकल गई है ना। हाँ मेरा होता है गलती से, कभी कभी ऐसे लोग आ जाते हैं ना, अच्छे लोगों को देखकर तो अच्छी बात ही निकलेगी ना मुझसे। क्या बात है, इनके लिए जोरदार ताली होगी। मैं तो मानती हूँ अर्चना जी जिंदगी में ना घूमना फिरना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। मैं सर बहुत घूमती फिरती हूँ। हाँ अभी मैं उधर गई थी ना, बनारस गई थी, उधर मैंने सर बनारसी पान खाया, फिर मैं दिल्ली में गई थी, मैंने दिल्ली की चाट खाई, फिर मैं मेरठ गई थी, उधर मैंने पेठा खाया। पेठा तो आगरा का फेमस है। भूख तो मेरे को मेरठ में लगी थी ना। हाँ कप्पू तू भी बड़े बड़े लोग हैं, मुझे बताया भी नहीं और ना ही मुझे बुलाया। हेलो जी, नमस्कार जी, कैसे हैं आप? करने क्या है इधर? सर पॉपुलर जी, आपको पता है जब मैं पैदा हुआ ना तो मैं बिल्कुल शायरी जैसा था। अच्छा? सारे मुझे देखकर कहते थे वाह वाह क्या बात है। क्या क्या बात है, क्या? एक मिनट उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद इसके पापा ने इसको छिपा दिया, क्योंकि सब लोग कहते थे कि एक और हो जाए, एक और हो जाए। पापा घबरा गए, ऐसा एक और नहीं चाहिए। मजा आ गया। बात बता सपना, ये शेरो शायरी के बीच में तुम क्या कर रही हो? भाई तुम्हारा शेरो शायरी से कोई लेना देना तो है नहीं। हाँ। कोई भी ना मुझे दो शायरों के नाम बता दो तुम। अच्छा अन्नु मालिक। ओ गॉड, ये शायर कहाँ से हो गए? तो उनको जाके बताओ ना, हर जगह शायरी ठोकते रहते हो। अच्छा है ना, उनको तो सबक सिखाना चाहिए। मैं आपके सामने एक और शेर नजर करना चाहूंगा और हम उसी शेर को नजरअंदाज करना चाहेंगे। शेर अर्ज किया है। क्या बात है, क्या बात है कि शेर और शायरी करने पे आप तुले क्यों हैं? बटूरे तो आप हैं नहीं, फिर इतने फूले क्यों हैं? अर्ज किया है। अच्छा इरशाद, अर्ज किया है पुष्प पॉपुलर जी। जी जी पप्पलू जी ने पॉपुलर जी। पप्पलू जी क्या होता है, एक तो खुद में चाबी भरी है, ऐसे ऐसे क्या कर रहा है तू? पॉपुलर जी नीचे देख रहे थे, मैंने उनको थोड़ा सा पॉपुलर जी। पॉपुलर जी यार हंसने वाली कौन सी बात। शुक्र कर तेरी बातों पे हंस रहे हो। तो पॉपुलर जी अर्ज किया है, खिलना है तो फूल की तरह खिलो। अच्छा खिलना है तो फूल की तरह खिलो, आटा 27 रुपए, चीनी 56 रुपए किलो। और मुझे नींद आ रही है, दे दो मुझे एक पिलो। हाँ जी टिलो पिलो किलो, सारे वर्ड खत्म कर दिए, राइमिंग के लिए कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। सर प्लीज आप मेरी मदद करो, शायरी करते हुए थोड़ा कम हिलो। वाह क्या बात है, वेरी गुड सर, वेरी गुड, बहुत टैलेंटेड है। ये क्या हो रहा है? मुझे भी शेर शायरी का बहुत शौक है। अर्ज किया है, क्या बात है? अर्ज किया है, वक्त बदलते हैं, जज्बात बदलते हैं, दौर बदलते हैं, क्या बात है? बदल दो, ये लोग जाने वाले हैं, हम कहीं और चलते हैं। ये मेरा फ्लर्ट निकला है। खबरदार मेरे शागिर्द में नजर डाली दो। वाह 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 क्या बात है, आगे बोलो। शेर नहीं गया, मैं वार्निंग दे रहा हूँ भाई। अर्ज किया है पॉपुलर जी, जी मोहब्बत में चांद तारे तोड़ सकता हूँ, अगर आपको एतराज ना हो मैं वॉशरूम जाके आ सकता हूँ। मैंने भी अर्ज किया है तुम्हारे ऊपर, रुको इधर आओ। ओ किधर जा रहे हो? कि लॉटरी को देख के हम सब ब्लश करते हैं। लॉटरी को देख के हम सब ब्लश करते हैं, तेरे शेर को हम इसी वक्त फ्लश करते हैं। वेरी गुड, एक मिनट
मुझे भी बोलना है। आज क्या है? अरे क्या बात है, कल भी किया था तुमने। सेल्फी लेते वक्त बनाते हूँ पाउट। चल चंदू प्लीज गेट आउट। बाबा डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, तुझे मैं बाथरूम से आके देख लूंगा। देख दोबारा बोल के जाओ। ये बड़े महान शायर हैं, एन मौके पे पूरा काफिया खराब करते हैं। अर्ज किया है, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, वाह तुम्हें तो मैं बाथरूम से आगे लूंगा। देख मुझे और ले। यस चंदू यू कैन डू इट। डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, तुम्हें तो मैं वॉशरूम से आगे लूंगा। देख मैम एक डिजिटल वाला शेर हो जाए। आगे कुआं पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई, हर जगह लगा दो वाईफाई। मैं भी आगे कुआं पीछे खाई, बन जाओ मेरी लुगाई। मैंने अर्थ किया है पीछे कुआं आगे खाई। नहीं नहीं भाई, आगे कुआं पीछे खाई। मेरा कुआं जहां मर जो तेरी खाई में दर्द क्यों हो रही है? अरे रे बहुत जोर से आई। मैं भी कहूँ क्या पढ़े? हाँ बदतमीज। आगे कुआं पीछे खाई, ये किस तरह की थी सफाई? सही बात है भाई। आगे कुआं पीछे खाई, 25 रुपए में नान खिलाई, 25 रुपए में नान खिलाई, 25 रुपए में नान खिलाई, 25। अभी मैं एक अर्ज करूं क्या? क्या हो पाएगा तुमसे? हाँ एक्चुअली ना मैं अभी अभी लिखी हूँ। वाह वाह, तुम्हारी हैंड राइटिंग तो एकदम प्रिंटर जैसी है। ये तुमने लिखा है? अर्ज किया है, कर दो। हुस्न बोलता है लफ्जों की मोहताज नहीं मैं, मेरी क्या मजाल में शेर पढ़ू, कोई मुमताज नहीं हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसी बात पे तुम्हें फ्लाइंग हग। नहीं नहीं, वो फ्लाइट कैंसिल हो गई है, कोई फ्लाइंग हग नहीं हो पाएगा। तो बाय रोड हग। अरे अरे हो गया तुम्हारा? आई एम नॉट डन येट। संजय जी हाँ, पॉपुलर जी को कह दीजिए अर्ज किया है। अर्ज किया है, यूपी में देवर संग भाग गई भौजाई, ठंड हाँ। बहुत बढ़ गई है, प्लीज मुझे गिफ्ट कर दो रजाई। एक नहीं दो दो दूंगी रजाई। वेरी गुड, शाबाश। आके रिश्ते में लगता है तू मेरा। ओ देखते रहिए कपिल शर्मा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए। रुकिए रुकिए रुकिए, ये हमारे बड़े ही जाहिल शायर आए जो है, इनके लिए जोरदार तालियां। और जो हमारे असली शायर हैं उनके लिए दिल खोल के तालियां। आज की महफिल आपने इतनी जमा दी है, लेकिन हमारा दिल अभी भरा नहीं है। शैलेश भाई, मैंने मुझे याद है आपने एक माँ के ऊपर बड़ी खूबसूरत कविता लिखी है। ये कविता मैं दुनिया में मुझे बड़ा मशहूर किया इस कविता ने, और इस कविता को जहाँ भी जाता हूँ लोग कहते हैं वो सुनाइए जो आपने माँ पे लिखा। और यकीन मानिए मैंने माँ पे नहीं लिखा, मैंने सिर्फ ये लिखा कि जब माँ होती है तो शायद उसके होने का एहसास हमें नहीं होता। जब माँ नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है, उस पर कुछ सुनाना चाहता हूँ, तो मैं वो सुनाता हूँ। इसके पीछे एक छोटी सी मेरे को एक कथा याद आती है, बचपन में सुनी थी कि एक जंगल में एक संगीतकार मृदंग बजाता था। अच्छा। मृदंग ढोलक की तरह एक वाद्य को कहते हैं, जब वो बजाता तो एक बकरी का बच्चा एक मेमना वहाँ के खड़ा हो जाता। तो संगीतकार ने पूछा कि तुम बहुत रोज चले आते हो, मेरा सुर ताल बहुत अच्छा लगता है। बोले मुझे नहीं मालूम आप क्या बजाते हैं, मुझे सुर की समझ न ताल की समझ, मैं तो इसलिए चला आता हूँ कि इस ढोलक पे जो चमड़ा मढ़ा है वो मेरी माँ के बदन से आया है, जब इस पे थाप पड़ती है मैं आके खड़ा हो जाता हूँ। तब मैं सुनाता हूँ कि जिंदगी माँ के बिना क्या होती है। जी। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे।
कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा। मुझे लगा कोई कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा, दो घड़ी सांस ले ले, अरे इतनी ठंड और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा माँ रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा, पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। पलट के देखा तो क्या मालूम था, क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे, जब कोई नहीं होता तो ये अंतरिक्ष, ये निर्वात, ये वैक्यूम बात करता है। अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे, लगता है जब जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा दही शक्कर खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है, कोई कहेगा गुड़ खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। पर मन इसी बात के लिए तो रोता है कि सब कुछ है माँ, सब कुछ, जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा वो सारी आजादी मेरे पास है। माए बचपन में टोकती है ये मत कर, वो मत कर, यहाँ मत जा, ये मत खा, वो मत पी, उसके साथ मत बैठ, तब हम आजाद होना चाहते हैं। और आजादी की कीमत क्या कि सब कुछ है माँ, सब कुछ, जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा वो सारी आजादी मेरे पास है, फिर भी न जाने क्यों दिल की हर धड़कन उदास है। कहता था ना तुझसे मैं वही करूंगा जो मेरे जी में आएगा, और आज मैं वही सब कुछ करता हूँ जो मेरे जी में आता है। बात ये नहीं है कि मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, बात है तो इतनी सी, सुबह देर से उठू ना तो कोई टोकने वाला नहीं है। सुबह देर से उठू ना तो कोई टोकने वाला नहीं है, रात को लेट लौटू तो कौन टोकेगा भला, दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा, कौन कहेगा कि इस उम्र में क्यों परेशान करता है, हाय राम ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है, पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं तेरे, क्यों नहीं बताता है, सारा सारा दिन मुझे सताता है, रात को देर से आता है, खाना गर्म करने को जागती रहूं, खिलाने को तेरे पीछे भागती रहूं, बहाती रहूं आंसू तेरे लिए, कभी कुछ सोचा है मेरे लिए? खैर मेरा तो क्या होना है और क्या हुआ है, तू खुश ले लेना यही दुआ है, और आज तमाम खुशियां ही खुशियां, गम ये नहीं है कि कोई ये सब खुशियां बांटने वाला होता, आज तमाम खुशियां ही खुशियां, पर गम ये नहीं है कि कोई ये सब खुशियां बांटने वाला होता, पर कोई तो होता है जो गलतियों पे डांटने वाला होता, पर कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला होता। और अंतिम पंक्तियां सौंपता हूं कि तू होती ना तो हाथ फेरती सर पर, हल्के से बाम लगाती, आवाजें देते के सुबह उठाती, दिवाली पे टीका लगा के रुपए देती और कहती बड़ों के पांव छूना आशीर्वाद मिलेगा, कहती बड़ों के पांव छूना आशीर्वाद मिलेगा, अगला कपड़ा अगली दिवाली को सिलेगा, बहन को सताया तो तू चाटे मारती, बीमार पड़ता तो रो रो के नजरें उतारती, परीक्षा से आते ही खाना खिलाती, पापा की डांट का डर दिखाती, इसे नौकरी मिल जाए तरक्की करे दुआओं में हाथ उठाती, और तरक्की के लिए घर छोड़ देगा ये सुन के दरवाजे के पीछे चुपके चुपके आंसू बहाती, सब कुछ है माँ सब कुछ, आज तरक्की की हर रेखा तेरे बेटों को छूके जाती है, पर माँ हमें तेरी बहुत याद आती। वाह वाह क्या बात भाई, बहुत बहुत शैलेश भाई जबरदस्त, वाह वाह थैंक यू शैलेश भाई, ये हस्ती गुदगुदाती शाम को बहुत आंखें भी नम कर दी आपने, पर बहुत ही खूबसूरत कविता कही आपने माँ के ऊपर, जोरदार तालियां हो जाए एक बार हमारे कलाकारों के लिए। मुमताज जी, शैलेश भाई, झाला साहब, पॉपुलर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे शो पे आए और ये शाम यादगार रहेगी, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों आप सबसे अनुरोध है कि आप बाजारों में भीड़ करने से बचें, मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.